अब उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उस विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर जो लोग हमारे वोटर आए हुए हैं, हम बात करेंगे उन वोटरों से, किस आधार पर कैसे क्या वोटिंग किया। दादी, आपने आज वोट डाला, किस आधार पर वोट डाला, क्या विकास चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, कैसी सरकार चाहती है। दादी ने बताया कि जैसे होगा तैसे होगा, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वोटिंग को लेकर जो मतदान जारी है, अभी तक लगभग 40 और 45% मतदान हो चुका है। बात जहां की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यूपी में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, वहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। और अगर बात करें मतदान की, तो यहां वोट डालने को लेकर इतना जागरूक हैं कि सुबह से ही यहाँ हर बूथ पर तांता लगा हुआ है। जनपद कानपुर देहात से MSS न्यूज़ के साथ राजा शंकर। सरकारों किस तरह से विधायक चाह रही हैं, क्या विकास चाह रही हैं? राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए, विकास होना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए विकास। हाँ जी, किस तरह से विकास चाहिए? अच्छे तरीके से विकास हो, बढ़िया, देश हित के लिए, बस बस कुछ नहीं, विकास क्या होना चाहिए, युवाओं के रोजगार पे बात होनी चाहिए बस, और विकास होना चाहिए युवाओं पे, ज़्यादा फोकस युवाओं के रोजगार पे होना चाहिए। जो सरकार रोजगार दे हमें उसी को चुनना चाहिए, क्योंकि इस सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है। ये हर कोई भी जानता होगा कि बेरोजगारी का मुद्दा, युवा कितना बेरोजगार चल रहा है, पढ़ा लिखा युवा, मतलब क्या बताए, जो भी पढ़ा लिखा है पढ़ाई लिखा है केवल बस, बाकी जो भी हो रोजगार पे बात हो बात, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जो हम लोगों ने आज जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग जो वोटर है उसके मन में केवल एक ही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है किसानों का, किसानों के जो मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, क्योंकि सब कुछ तो फ्री चल रहा है, पर देखा जाए वास्तविकता में तो शिक्षा फ्री नहीं हो रही है। आप राशन फ्री दे रहे हैं, फ्री खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको शिक्षा फ्री देनी चाहिए, चिकित्सा फ्री देनी चाहिए, जिससे कि आदमी का जीवन बचता है। उसी के आधार पे यहाँ पे बम्पर वोटिंग हो रही है, लोग बड़े दिलचस्पी के साथ वोटिंग कर रहे हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है।